विवेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये बताइए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि भाई समझौता होना चाहिए और दोनों ही जगह से सरकार और किसानों से कहा गया है कि कमेटी का निर्माण करें आगे की बातचीत के लिए, तो फिर किसानों में नाउम्मीदी क्यों है? 8 ऐसे किसान नेता हैं जिनका चुनाव किया गया बाकायदा कि वो जाकर के कोर्ट में अपनी बात रखें। देखिए अंजलि, बात की जाए तो सबसे पहले टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में जो किसान है वो यहाँ पर अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि समझौता जो है वो होना चाहिए और सरकार और किसानों को जो बातचीत करनी चाहिए और समिति बनाने की बात भी कर दी गई। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी नज़रें बनी हुई है क्योंकि हमें न्याय की आशा केवल अब सुप्रीम कोर्ट से रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इंटरफेयर करके, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक राज्य का मामला ना हो, कि जल्द ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है, तो केंद्र की सरकारें इसे गंभीरता से लें और किसानों के बारे में, इतने ठंड के मौसम में लगभग हमारे 40 किसान जो हैं वो ठंड के मौसम में एक्सपायर हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो क्लियर किए जाए, किसानों की समस्या का हल किया जाए ताकि देश का अन्नदाता है वो देश का पेट भरने के लिए दोबारा खेतों की तरफ रुख कर सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।